बच्चों, अभी हमने जो है वो डिस्कस करना है इस पर लेक्चर के अंदर, वो होगी एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, कि आप टीचर इतने सारे लेक्चर से एक ही स्टॉलर ये नो लाइट बच्चों, इट्स रियली डज नॉट मैटर। ओके, कि आपको किस भी आइटम में पढ़ाया जाए, आपका फोकस जो है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्सल रिएक्शन का है सिवाय एक के। प्रोडक्ट्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीड इन बोथ वेज, दे हैव डबल एरो बिटवीन देम। ओके, तो इसमें से एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रिवर्सल रिएक्शन का नहीं है। वो है ए वाला, बाकी सारे जो है वो रिवर्सिबल के कैटेसिस है। इन द लाइम किल्न द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू द कम्प्लीशन बिकॉज, क्योंकि ये कम्प्लीशन की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि क्या हाई टेम्परेचर की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, या कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली स्केबल होते कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड, क्यों ये जो रिएक्शन है वो कम्प्लीशन की तरफ जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन द कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेकंड वाले का आंसर है बी। थर्ड वाले का फॉर द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो आपने रिएक्शन बताना है, तो ये तो आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं, तो आप लोग तो आसानी से कर लेंगे। इसका डी है, देख के बता देंगे आप लोग। ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्शन करेंगे जो स्टार्ट में वो कोफिशिएंट बन जाएगा, और बाकी सारा जो है वो ऐसे करा लीजिए आप रिएक्ट नहीं दोगे। तो थ्री वाले का है आपके पास डी। फोर्थ वाला, व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम अगर एक इक्विलिब्रियम पे है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। देखिए, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होती है, या फिर अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन लो हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। क्या होता है, पहला वाला ही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम इक्वल, इक्वल हो जाती है। ठीक है, फाइव वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मास। एक्टिव मास के लिए कौन सी स्टेटमेंट है वो अच्छी नहीं है, मतलब दुरुस्त नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो वो है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये तो करेक्ट है। एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सी करेक्ट नहीं है, तो एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स से इसको शो किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिव पोर्शन ऑफ द एक्टिव मास, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशन में ही ली जाती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती है बच्चों, तो हम इसका ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से तो इसको शो किया जाता है, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चों, कि रेट ऑफ रिएक्शन तो एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं है ये, तो 5D। ठीक है, सिक्स वाला, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट्स इंडिकेट, केस ही अगर ज्यादा लार्ज होगा इसका मतलब होगा कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, ए वाला। ठीक है, सेवन, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स इज निग्लिजिबल। ठीक है, प्रोडक्ट्स इज निग्लिजिबल, ये है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है एट वाला, रिएक्शन विच हैव द कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि जिसमें कंपेरेबल अमाउंट्स हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, तो इसका मतलब ये है कंपेरेबल मतलब इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि केसी क्या है, छोटा है बड़ा है या फिर बराबर है, तो केसी इज ऑफकोर्स मॉडरेट, केसी सी। नाइन, 99 किलोग्राम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की वो बराबर हो जाती है, यहाँ पर स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, यहाँ पर द डायरेक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स। ठीक है, कि इसमें से क्या होता है, 99 किलोग्राम पे स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ए नाइन वाले का सी। 11, आ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिवर्स रिएक्शन क्या लेफ्ट टू राइट जाता है, नहीं, इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स,
रिवर्स में ये तो होता है, ठीक है। उसके बाद विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली स्लो डाउन भी होता है, विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है ग्रेजुअली, ठीक है। बाकी सारे जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्पीड अप ग्रेजुअली, रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट स्पीड अप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली ये स्पीड अप होता है। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये बात पढ़ी थी, 11D, 11 वाले हम पहले डिस्कस कर लिए हैं, 10 वाला आप देख लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, एस्टैब्लिश हो जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले, एस्टैब्लिश हो जाता है कंप्लीशन से पहले, रेडिली एस्टैब्लिश इरिवर्सिबल में तो पहले एस्टैब्लिश हो जाता है भाई, ये मतलब इरिवर्सिबल में तो एस्टैब्लिश होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो इरिवर्सिबल है, कंप्लीशन कंप्लीट हो जाता है तो कैसे एस्टैब्लिश होगा। तो 10 वाले का ए है। उसके बाद है 11, हो गया 12, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, अमोनिया उन्होंने बना लिया, ठीक है। तो एक मिक्सचर हमें क्या पता चल रहा है, अमोनिया है ओनली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है ओनली, तो ये तो हमें बताया कि जाहिर सी बात है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होंगे, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 12B। 13, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3Cl2 PCl5KCr PCl3PCl2, ठीक है। इसमें आपने PCl3PCl2 जो है वो तो मोल पर DmQ, मोल पर DmQ भी होंगे, प्रोडक्ट जो हमारा PCl5 है उसमें मोल पर DmQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी यूनिट वैसे बनना तो नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं बनता, बन जाता बच्चों, बन जाता है, एक ऊपर से एक नीचे से कट जाएगा, ठीक है। मोल पर DmQ, मोल पर ऊपर प्रोडक्ट का मोल पर DmQ, नीचे दो रिएक्टेंट्स के मोल पर DmQ, एक मोल पर DmQ प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कट गया, नीचे एक बच जाएगा, जब आप उसको पॉजिटिव में लिखोगे ऊपर लेके जाओगे तो वो बनेगा पर मोल DmQ, ठीक है। पहले था ना मोल पर DmQ था, ऊपर जब जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा तो वो हो जाएगा पर मोल DmQ, ठीक है। 13C वाला इज करेक्ट, ठीक है, ये तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो इंशाल्लाह अपने न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इशू हो तो बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, और आपके सजेशंस मुझे अपनी करेक्शन करने में हेल्प करेंगे ताकि मैं और अच्छे तरीके से कन्वे कर सकूँ। कोई भी इशू है तो मुझे बताना है आपने, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर कर लूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।